अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नसीम वर्ल्ड। अगर आप नए हैं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सरवरे जी चांद मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाली शान है, अद्दुआओ महबूब अनिल्लाहि हत्ता युसल्ला अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यानी दुआ अल्लाह पाक से हिजाब में यानी कबूल नहीं होती जब तक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद ना भेजा जाए। दोस्तों हमारा खालिक व मालिक कैसा करीम है कि मांगने वालों से खुश होता है और न मांगने वालों पर गज़ब फरमाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह करीम से अपनी हाजत और खैर तलब करते रहें। अल्लाह पाक से खैर तलब करने को दुआ कहते हैं और दुआ न सिर्फ इबादत है बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मखुल इबादत, यानी दुआ इबादत का मगज है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ सिलाहुल मुमिनी व इमादुद्दीन व नूर समावात व अर्ध, यानी दुआ मोमिन का हथियार, दीन का सुतून और आसमान व जमीन का नूर है। दुआ ऐसी इबादत है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि गोया बंदा अल्लाह पाक से कलाम है। दुआ के जरिए ही बंदा अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी हाजात जरूरियात पेश करता है। दुआ बंदे को अपने करीम रब की जनाब में पहुंचाती, इसके हुजूर आजिजी करवाती और उसकी अजमतों का कलमा पढ़वाती है। जिसे दुआ की तौफीक दी गई उसे बहुत बड़ी खैर की तौफीक दी गई और उसके लिए भलाई के दरवाजे खोल दिए गए, और जिसके लिए दुआ का दरवाजा बंद हो गया उसके लिए खैर वाफियत का दरवाजा बंद हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।